friends, welcome to my channel Study with Kartik. Today we study factors and multiples. Let's continue from the previous video. Prime factorization. आज हम लोग पढ़ेंगे prime factorization के बारे में. Prime factor. आज हम लोग पढ़ेंगे prime factor के बारे में. A factor of a given number is called a prime factor if this factor is a prime number. तो जैसे कि कोई number है और उसका कोई factor है और वो जो फैक्टर है और अगर वो जो फैक्टर है वो अगर एक प्राइम नंबर है तो उसे हम लोग क्या लेंगे उस नंबर का प्राइम फैक्टर. ए फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज कॉल्ड अ प्राइम फैक्टर इफ दिस फैक्टर इज अ प्राइम नंबर. ए फैक्टर एक नंबर का प्राइम फैक्टर तब होता है अगर वो एक प्राइम नंबर हो तब वो उस नंबर का एक प्राइम फैक्टर होता है. एग्जाम्पल राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ. तो यहाँ पर हम लोग का इन नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है. तो 18 का होगा हम लोग इसको कैसे भी लिख सकते हैं. हम लोग इसे फैक्टर ट्री में भी लिख सकते हैं और अलग अलग मेथड में भी लिख सकते हैं. 3 3 9 3 1 3 वो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन. इसे हम लोग लिखेंगे 2 × 3 × 3 = 18. तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन. अब है 56 का. 56 2 × 4 = 2 × 16 56 का. अब है 90 का. तो 90 का हम लोग लिखेंगे ऐसे 2 × 45 = 90 3 × 15 = 45 3 × 15 = 5 2 × 3 × 5 = 90. ये हो गया 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन. ये सब प्राइम नंबर्स है. 2 × 3 × 3 18 का. 2 × 3 × 3 × 56 और जो फैक्टर है वो एक प्राइम नंबर है तो उसे हम लोग कहेंगे प्राइम फैक्टर. और यहाँ पर 18 का ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन. ऐसे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं. इसे हम लोग एक शॉर्ट मेथड में भी लिख सकते हैं. अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पावर के बारे में. तो इसे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन को शॉर्ट मेथड में भी लिख सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर वी राइट 2 × 2 = 2 raised to power 2. यहाँ पर एक छोटा सा 2 है. अगर जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि दो नंबर लगातार आ रहे हैं 3 × 3 × 3 तो ये तीन नंबर लगातार आ रहे हैं 3. तो इसे हम लोग शॉर्ट मेथड में लिख सकते हैं 3 raised to power 3. इसे हम लोग यहाँ पर छोटा सा 3 लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर 3 है 1 2 3. तो इसे हम लोग पढ़ेंगे 3 raised to power 3 और यहाँ पर हम लोग इसे पढ़ेंगे 2 raised to power 2. इसे हम लोग पढ़ेंगे 2 raised to power 2 और इसे हम लोग पढ़ेंगे 3 raised to power 3. 2 × 2 = 2 raised to power 4. तो यहाँ पर 4 हो गया. हम लोग छोटा सा 4 लगा देंगे यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर 4 2 है. 2 × 2 × 2 × 2 × 2 तो यहाँ पर 5 2 है. यहाँ पर 5 2 है तो हम लोग इसे लिख देंगे 2 5. तो इसे हम लोग पढ़ेंगे 2 raised to power 5. तो ये हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ पावर. इसे हम लोग यूज कर सकते हैं जब कोई नंबर लगातार आ रहा है, दो बार आ रहा है या फिर दो बार से ज्यादा आ रहा है. जब कोई सेम नंबर लगातार आ रहा है दो बार से या फिर दो बार या फिर दो बार से ज्यादा. सो वी स्टडी मोर अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इन द नेक्स्ट वीडियो. सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.